नमस्कार, अपने चैनल चलो बातें करते हैं मैं आपका स्वागत करती हूँ। और करवा चौथ के चौथे दिन आती है अहोई अष्टमी का त्योहार, जो कि पुत्रवती स्त्रियां मनाती हैं। और इस दिन अहोई माता का फास्ट रहती हैं। पति माताएं हैं, उन्हीं के का स्वरूप उस जो है अहोई अष्टमी माता होती हैं और उनकी पूजा की जाती है। और अपनी संतान की समाप्ति के लिए ये व्रत रखा जाता है। और इस व्रत में निर्जला रह करके अहोई माता की स्याऊ की माला पहनते हैं, जो कि स्याऊ के बच्चे ऐसा कहा जाता है वो लाते हैं सोनार से खरीद करके। वो चांदी के हो सकते हैं, सोने के हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं। और उसकी माला बनाई जाती है और वो पहननी होती है। तो कुछ जगह अलग तरीके से मनाई जाती है। और एक होता है करवे के टाइप का ही, एक जो सुराही टाइप की एक होती है उसको भर करके रखा जाता है। और करवा भी हमारे यहाँ तो उसको भर करके रखते हैं। यहीं से ही दिवाली पूजन की स्थापना समझो शुरू हो जाती है। जहाँ की इनकी स्थापना होती है वहीं फिर दिवाली पूजन होता है। और अर्घ्य भी ऐसे ही दिया जाता है। अहोई माता के फास्ट में हमारे यहाँ तो ये होता है कि पहले दिन जो धूप के नाल कहानी सुनते हुए और चावल लेते हैं वही तारों को दिया जाता है। और बाद में अगले दिन जाकर के वो जल सूर्य को चढ़ाया जाता है, दिया जाता है अर्घ्य। और इस तरह से व्रत की समाप्ति होती है। जिनको संतान है वो संतान की सलामती के लिए, और जिनके संतान नहीं भी हैं वो भी स्त्रियां रहती हैं फास्ट को, क्योंकि वो संतान प्राप्ति के लिए माँ की आराधना करती हैं और उनसे उनसे कामना करती हैं कि उनको भी संतान की प्राप्ति हो। तो इसलिए सभी स्त्रियां इसको रह सकती हैं विवाह के पश्चात, जिनको संतान है या नहीं है। और स्याऊ के बच्चों की माला जो होती है वो पहननी बहुत जरूरी होती है। स्टार्टिंग में जब ये माला पहनी हुई जाती है तो एक लॉकेट होता है, उस पर अहोई माता की बने होते हैं चित्र। और उसके बाद हर साल दो स्याऊ के बच्चे चांदी के आते हैं बाजार में, वो लाकर के उसमें डालती हैं। इस अहोई माता की एक कथा है, पौराणिक कथा हमारे हिंदू शास्त्रों में, जो कि मैं आपको आगे सुनाऊंगी। और क्योंकि त्योहारों का चल रहा है अभी सर, तो मैं ये कथाओं का जो है कनेक्ट होने के लिए आपसे ये यूज कर रही हूँ। बट किसी के कमेंट अभी नहीं आए हैं कि कैसा लगा कैसा नहीं लगा। तो अगर आप देख रहे हैं मेरे चैनल को तो कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। और इस प्रकार कथा है कि एक शहर में एक साहूकार रहता था। उसके सात बेटे और एक बेटी थी। सातों बेटों की शादी हो चुकी थी और बेटी की भी शादी हो चुकी थी। और वह दीपावली के अवसर पर अपने घर पर आई हुई थी। तो पहले ये होता था कि जब घर को लीपते थे, गच्चे घर होते थे, मिट्टी लाते थे झोड़ की और उससे घर लीपते थे। तो वो अपनी भाभियों के साथ मिट्टी लेने के लिए गई। और वहाँ जहाँ वो मिट्टी खोद रही थी वहां पर स्याऊ रहती थी अपने बच्चों के साथ, सात बच्चों के साथ। गलती से उस कन्या से वह खुरपी उसके बच्चे को लग गई और वह मर गया। इससे स्याऊ माता क्रोधित हो गई और उन्होंने उसको कहा कि मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब वह जो कन्या है वो डर गई और भाभियां भी डर गई कि अब सासू माँ हमसे पूछेंगी कि ये क्या हुआ। तो वो सबसे कहने लगी, छहों भाभियों के पास गई, किसी ने उसकी मदद नहीं गई। सातवीं भाभी के पास जब सबसे छोटी थी गई वो, उसने कहा तो उसने कहा कि दया आ गई उसको। उसने कहा कि मैं तुम्हारे स्थान पर अपनी कोख बंधवा लेती हूँ। और उसने स्याऊ माता के सामने जाकर ये कहा कि मेरी ननद की कोख मत बांधो, तुम मेरी कोख बांध दो। तो इस प्रकार स्याऊ माता ने अपना क्रोध उस पर निकाल दिया और उसकी कोख बांध दी। अब जब स्याऊ माता के प्रकोप से उसको संतान होती थी तो सात दिन बाद वो मर जाती थी। वह बेहद दुखी रही, उसको ये लगा कि अब क्या होगा। तो उसने तब वह एक पंडित जी को बुलाती है और उनसे अपनी व्यथा कहती है। तो पंडित जी कहते हैं कि तुम सुरही गाय की सेवा करो, और हो सकता है कि सुरही गाय जो है स्याऊ माता की जानती हैं और वो तुम्हारी
जो है सहायता करें। तो इस तरह छोटी बहू रोज जाकर के सही गाय की सेवा करती, उसका गोबर उठाती, अगर उसको कहीं खुजली होती वो खुजलाती, नहलाती, धुलाती, इस तरह सेवा करती रही। तो सुरही गाय सोचने लगी कि ये स्त्री मेरी रोज सेवा करती है। तो एक दिन उसने पूछा गाय ने कि तुम मेरी सेवा क्यों करती हो। तब सारी व्यथा छोटी बहू ने बता दी और कहा कि तुम मेरी सहायता करो इस तरह से और सयाऊ माता से मेरी कोख खुलवा दो। तब गाय माता ने कहा कि चलो मैं तुम्हें लेकर के चलती हूँ स्याऊ माता के पास और मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो रास्ते में जब वो जा रहे थे तो थक करके एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तो गाय माता तो लेटी रही और जो साहूकार की छोटी बहू थी वो बैठी थी। तभी उसने देखा कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को निगलने जा रहा है, मारकर खाने जा रहा है। तो उसने उस सांप को मार दिया और फिर गरुड़ पंखनी ने देखा कि इसने मेरी बच्चे की सहायता की है तो तुरंत ही उन्हें उसे स्याऊ माता के पास ले गई। वहां जाकर उस छोटी बहू ने बहुत सेवा की स्याऊ माता की और सारे दिन सेवा में लगी रहती थी। तो स्याऊ माता उससे प्रसन्न हो गई और उसने उसकी कोख खोल दी और 7 बच्चों और 7 बहुओं का वरदान दिया। तो इस प्रकार अहोई माता की पूजा की जाती है। और जब घर पर आई तो सब कहने लगे कि सात जो है जब बच्चे हुए तो सासू कहने लगी कि यह तेरी ही तपस्या का फल है और तूने अपनी कोख बंधवा दी थी अपनी ननंद की वजह से, ये भी तूने अच्छे कार्य किया था और अपनी तपस्या से अभी अहोई माता को स्याऊ माता को प्रसन्न करके वापिस भी ले लिए हैं। और इस प्रकार ये कथा समाप्त होती है। और जो राजा थे वहां के उन्होंने ये सब किस्से जब सुने तो उन्होंने ये मनादी करवा दी कि मांगी मन्नत से मांगी हुई अष्टमी अहोई माता की अष्टमी सब करें और जो ये साल में आती है ये सब करें अपनी संतान की अपने संतान की उज्जवल भविष्य और सलामती के लिए। तो तब से ये अहोई माता का व्रत रखा जाता है। और अब तो ये अहोई माता का जो व्रत है तारों को देख करके जल दिया जाता है, पर कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि जहाँ चांद को अर्घ्य दे करके ही भोजन किया जाता है। और अलग अलग रिवाज हैं, अलग अलग सबके यहाँ रीति इसे इस व्रत को करते हैं, पर तो यही होता है कि अहोई माता को प्रसन्न किया जाए। अहोई माता पार्वती माता का ही एक रूप है जो कि तरह तरह से रूपों में आकर के जो है अपनी अपनी भक्तों की सहायता करती हैं और उनको वरदान देती हैं। इस प्रकार साहूकार के बेटे और बेटियां सब खुश हो रहे। और यहीं पर यही माता की कथा समाप्त होती है। कई कई जगह ये कथा दूसरे तरीके से भी कही जाती है, अपनी अपनी बोलियों में भाषाओं में ये कही जाती है, पर मेन पर्पस संतान की सुरक्षा और संतान की सलामती ही होती है। तो जैसे अहोई माता ने उस साहूकार की छोटी बहू पर दया दिखाई वैसे सब पर ही बनाए रखें। और इसी के साथ अहोई अष्टमी की आप सभी को शुभकामनाएं। और जो मैं ये कोशिश में लगी हूँ कि किसी प्रकार से भी कुछ भी बातें हों पर एक वीडियो जरूर हो जाना चाहिए। तो आपको कैसा लगा? अभी अभी टॉपिक काफी हैं और बात करने के लिए, पर अभी त्योहारों का जो ये सीजन चल रहा है, टाइम चल रहा है, उस टाइम में अगर कोई ऐसी बात की जाए तो त्योहारों का जो उत्साह है और खुशी है वो गमगीन हो जाती है। तो इसलिए मैं अभी कोई भी ऐसी सच्ची घटना या कोई ऐसी बात नहीं बता रही हूँ। और जो मुझे जितना ज्ञान है, जितना मैं जानती हूँ त्योहारों के कथाओं के बारे में या उनके शुरू होने के कब कैसे क्या हुआ हमने सुनी है जो अपने बड़ों से, वही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो मेरा प्रयास ये आपको कैसा लग रहा है? और अब नेक्स्ट वीडियो में मैं भैया दूज की कथा सुनाऊंगी। और सबके यहाँ अलग अलग तरीके से होती हैं, वैसे भी पुराण में जो है कथाएं कई रूप में दी गई हैं। भैया दूज की कहानी भी